क्वेश्चन 5, नसरीन हैज़ 3 टाइम्स द मार्बल्स निट्टा हैज़। निट्टा का जितना है नसरीन का 3 टाइम्स ज़्यादा है। इफ नसरीन गिव्स 7 मार्बल्स टू निट्टा, नसरीन का जो मार्बल है उसमें से 7 मार्बल जब निट्टा को दे देंगे, नसरीन विल बी लेफ्ट ओनली 17 मार्बल्स, तो 17 मार्बल्स नसरीन का रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स निट्टा हैज़ विद हर। सो इसमें निट्टा का अगर हम मान लो एक्स है, निट्टा का कोई हमें पता नहीं है, तो नसरीन का कितना होगा, 36 होगा। और ये 36 इक्वल टू कितना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 36 मार्बल नसरीन का है, तो इसका टोटल कितना होगा, 17 उसका मार्बल है, तो उसमें से और 7 मार्बल नसरीन का होगा। तो इस मार्बल को जब ये निट्टा को दे देंगे, निट्टा को जब दे देंगे तो इसका कितना रहेगा, 17 रहेगा। तब नहीं देंगे तो कितना रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 रहेगा ना, तो 36 इक्वल टू 24, सो x इक्वल टू कितना होगा, 24/3। सो इसको जब कैंसिल करेंगे 8 आएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 8। 8 मतलब 8 मार्बल ही निट्टा का रहेगा। लेट द नंबर ऑफ मार्बल निट्टा हैज इक्वल टू हम x कंसिडर करेंगे, एंड द नंबर ऑफ मार्बल नसरीन हैज इक्वल टू हम क्या कंसिडर करेंगे, 36 कंसिडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें, ये 36 जो है ये नसरीन का मार्बल है, तो नसरीन का मार्बल कितना रहेगा, 17 रहेगा। अगर उसमें से टोटल मार्बल से अगर 7 मार्बल इसको दे देंगे तो 17 रहेगा, नहीं देंगे तो कितना रहेगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 36 इक्वल टू ये होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, 36 इक्वल टू 24 होगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 24/3, सो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, तो नाउ x इक्वल टू होगा 8। क्वेश्चन में हमें निट्टा का मार्बल फाइंड करने के लिए दिया है, तो x का वैल्यू 8 मतलब निट्टा का वैल्यू कितना मिला हमें, 8 में मार्बल। तो देयरफॉर निट्टा हैज, हम लिखेंगे निट्टा हैज टोटल मार्बल निट्टा हैज टोटल मार्बल इक्वल टू x इक्वल टू 8, तो ऐसे लिखेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो टोटल मार्बल निट्टा हैज इक्वल टू x एंड x इक्वल टू कितना, 8, तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 8, ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 6, द एज ऑफ तरुण इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 48, फाइंड द एज ऑफ तरुण। इस सम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट तरुण्स मदर्स एज, तरुण्स एंड तरुण्स मदर एज, मदर एज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे x, एंड तरुण एज इक्वल टू कितना होगा, मदर का एज x है तो तरुण का एज मदर का 1/3 होगा, तो 1/3 ऑफ हिज मदर एज मतलब 1/3 इंटू एक्स होगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x/3 लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे मतलब सम करेंगे, x+x/3, तो इसका टोटल कितना आना है, 48 आना है, तो 48 आएगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3x+x/4 होगा, 3 होगा, इक्वल टू कितना आएगा, 48, तो 48 होगा। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4x आएगा, 4x/3 इक्वल टू कितना होगा, 48, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4x इक्वल टू आएगा एंड 48 इंटू 3। अभी x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से 48 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। सो x का वैल्यू हमें मिलेगा 12 × 3 = 36। ये हो गया तरुण्स मदर एज, तो अभी तरुण का एज फाइंड करेंगे, एंड देयरफॉर तरुण एज इक्वल टू कितना है, x/3 है, तो x में हम ये 36 को पुट करेंगे, 36/3, इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 12, सो 12 होगा तरुण्स एज, सो 12 ईयर्स आएगा आंसर, हम लिखेंगे तरुण एज इक्वल टू 12 ईयर्स, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7, द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 11 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ये क्लास है, क्लास में ये बॉय है ये गर्ल है, तो इसका इक्वल कब होगा, जब बॉयज
इसमें बॉयज इन द क्लास इज 11 मोर देन द गर्ल, तो गर्ल से 11 कितना है ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्या दिया है, इफ देयर आर 75 स्टूडेंट इन द क्लास, अगर हम इन दोनों को, ये बन गया बॉय और ये बन गया गर्ल, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, b प्लस 11 बॉय प्लस इसको 11 करेंगे प्लस गर्ल, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल वैल्यू आएगा 75 स्टूडेंट। तो 75 स्टूडेंट है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, तो हम इसमें गर्ल को कंसिडर करेंगे x, तो ये बॉय कितना बनेगा, बॉय बनेगा x प्लस 11, गर्ल होगा x, गर्ल z इक्वल टू होगा x एंड बॉय इक्वल टू कितना होगा x प्लस 11। तो x प्लस 11 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें बॉय और गर्ल दोनों हमें इजीली फाइंड हो पाएगा। लेट द गर्ल्स इक्वल टू x एंड द बॉयज इक्वल टू हम लिखेंगे x प्लस 11, क्योंकि गर्ल से 11 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों को जब सम करेंगे x x प्लस 11, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे 75 माइनस 11 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 11 होगा। तो 75 माइनस 11 तो वैल्यू कितना आएगा, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा 6, तो 64 आएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे 64, ट्वाइस एक्स इक्वल टू 64 होगा, सो एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा 64/2, सो इससे ये कैंसिल होगा, 32 आएगा। तो x इक्वल टू 32, मतलब गर्ल्स इक्वल टू बनेगा 32। देयरफॉर द गर्ल्स इक्वल टू x, सो x का वैल्यू हम पुट करेंगे 32, एंड द बॉयज इक्वल टू x प्लस 11, मतलब x का वैल्यू हम पुट करेंगे 32 प्लस 11 आएगा, तो उसमें आएगा 43। ये होगा बॉयज़ का टोटल नंबर्स, तो आंसर हम लिखेंगे, तो बॉयज़ को लिखेंगे पहले 43 एंड 32, ये आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन 8, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 53, फाइंड द नंबर्स। ये बहुत इजी है, हम फर्स्ट नंबर को एक्स कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट ये बन गया फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर अगर एक्स हुआ तो सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, तभी ये कंजिक्यूटिव नंबर बनेगा। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब होगा एक के बाद एक। तो इस ये जो दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है, इन दोनों को जब सम करेंगे, मतलब एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा और ये दोनों नंबर हमें मिलेगा। लेट द फर्स्ट नंबर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू हम लिखेंगे x, एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू हम लिखेंगे x प्लस 1, क्योंकि ये कंजुगेटिव नंबर है, तो इसलिए हम लिखेंगे x प्लस 1। फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए। तो x प्लस x इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस एक्स होगा, ट्वाइस एक्स इक्वल टू ये 53, तो माइनस इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 1 होगा। नेक्स्ट ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 52 आएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू हम 2 से डिवाइड करेंगे, 52/2, सो इससे ये जब कैंसिल होगा, 4 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, सॉरी 2 टाइम्स देंगे तो 4 होगा, एंड 6 टाइम देंगे तो 12 होगा। मतलब ऐसे 52/2, सो 2 2 4 होगा, नेक्स्ट 1 2 होगा, 2 6 12 होगा। तो ये बनेगा इसका आंसर। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू 26, ये 26 है, ये 2 है, 26। देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1, मतलब x का वैल्यू हम पुट करेंगे 26 प्लस 1, तो इक्वल टू कितना होगा, 27। तो उसका हम आंसर लिखेंगे 26 एंड 27, ये आएगा उसका आंसर।